जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी के NYKS वॉलंटियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 13,206 वॉलंटियर का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप यहां पर देख लीजिए, अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है, एज आपकी 18 से 29 साल के बीच रखी है जो कि आपकी 1 अप्रैल 2021 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो यहां पर अन्य जानकारी है वो भी आप देख सकते हैं। बात करें आपकी सैलरी की तो यहां पर इस पर आपको 5,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहां पर जानकारी दी गई है कि 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। अभी बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, और मैं आपके लिए एलिजिबिलिटी की वीडियो अन्य बनाने वाला हूं, उसमें मैं आपको इससे जुड़े हुए सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको यहां पर आना है और अगर आप इंस्ट्रक्शंस या एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली फिल फॉर्म ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहां से अपनी स्टेट चूज करनी है, आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट आपको यहां से चूज करनी है। चूज करने के बाद यहां पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहां पर जो केंद्र नेम है वो देखने को मिल पा रहा है। आपका जो भी नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहां पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फादर का नेम यहां पर एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार ही, मदर का नेम यहां पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहां से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहां से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको करना है। यहां पर आपको अपना ईयर, इसके बाद मंथ और फिर डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्लान के अंदर 10% की छूट मिल जाएगी। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है अनअकैडमी जैगुआर एयरफोर्स बैच कोर्स फॉर 2021। इसकी जो बैच है वो आपकी 4 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसमें यहां पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी, किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किसके द्वारा कराई जाएगी वो आप यहां पर देख सकते हो। इन एजुकेटर के पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है जो कि आपको काफी हेल्प करेगा आपके होने वाले एग्जाम को क्लियर करने में। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए मिशन एनडीए 2021 की कंप्लीट बैच भी लेकर के आया है ऑन गेट एंड मैथमेटिक्स। यहां पर दोस्तों आपको इन एजुकेटर के द्वारा प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसकी बैच आपकी 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। दोस्तों इनको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एनडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और इसके सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। पैलेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म कहां हुआ था, उस पैलेस का नाम आपको यहां पर देना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। ब्लड ग्रुप अगर आपको याद है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको चूज करना है। वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना है, अगर आपके पास है नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। इसके बाद हाइएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास हाइएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहां से आप चूज कर सकते हैं। रोल नंबर ऑफ 10th क्लास यानी कि 10th क्लास का रोल नंबर आपका क्या था यहां पर आपको लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहां पर आपको लिखना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपको यहां पर उसका नाम देना है। अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई अदर प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर दे सकते हैं, जैसे कि ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट जो भी आप देना चाहते हैं यहां पर उसका नाम दे सकते हैं। करंट स्टेटस ऑफ वॉलंटियर तो यहां पर आप क्या हो, स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉयड हो कहीं पर, अनएम्प्लॉयड
यानी कि बेरोजगार हो या फिर अदर हो, तो यहाँ से आपका जो भी स्टेटस है वो आपको चूज करना है। मैं यहाँ से अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेता हूँ। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, क्या आपको इंटरनेट और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो यहाँ से हम यस करते हैं। यस करने के बाद यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज नोन, यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो यहाँ पर मैं हिंदी टाइप करता हूँ। मुझे बोलनी आती है, पढ़नी आती है और लिखनी आती है। इसके बाद इंग्लिश अगर आपको आती है तो यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइप करना है। अगर बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, पढ़नी आती है तो यहाँ पर और लिखनी आती है तो यहाँ पर। अगर कोई आपको थर्ड लैंग्वेज भी आती है, आपकी लोकल लैंग्वेज हो कोई, वो यहाँ पर आप एंटर करके स्टेटस चूज कर लीजिए। प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक वार्ड नंबर चूज कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक वार्ड है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पर आपकी दी गई है। आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है यहाँ पर आपको डालना है। आपको पूरा एड्रेस इसी कॉलम के अंदर लिखना होगा, जो भी आपका एड्रेस है। नीचे है परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका स्थायी पता, ऊपर आपने भरा प्रेजेंट और नीचे है आपका परमानेंट। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको सेम तरीके से भरना है। भरने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल वाले कॉलम में, जहाँ पर मोबाइल नंबर का कॉलम है, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, तो चलिए यहाँ पर मैं इस ईमेल आईडी को एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप नीचे देखोगे हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी कि NYKS के जो ये फॉलोइंग प्रोग्राम है इसके अंदर आपने पहले भी पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद है NCC, अगर आपके पास NCC है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। BS&G अगर आपके पास है, ये कोई जो भी कोर्स है, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। NSS यानी कि स्कूल लेवल अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। NSS कॉलेज लेवल अगर आपके पास है तो यस, नहीं तो नो। अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर नीचे आता है आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ ए विलेज लेवल यूथ क्लब महिला मंडल एफिलेटेड विद NYK, अगर आप ऐसे मेंबर हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे है नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ टू रेफरेंसेस, यानी कि आपको अपने जानने वालों के दो नंबर यहां पर देने हैं, आपको उनका नाम भरना है। तो चलिए मैं यहां पर ये नई फिलअप करता हूँ। इसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पर डालना है और फ़ोन नंबर यहाँ पर देना होगा, और इसी के साथ आपका जो दूसरा नाम है वो भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और ये फिल करने के बाद उसका एड्रेस देना है और फ़ोन नंबर यहाँ पर देना है। साथ ही आपको इन अपने फ्रेंड या फिर जो भी आपके रेफरेंसेस हैं उनको बता देना है कि मैंने आपका नाम इस तरह से वहाँ पर दिया है। अगर वहाँ पर आपको कॉल आती है तो आपको मुझे बताना होगा, हाँ आपको उनको बताना होगा कि हाँ ये मेरा दोस्त है, जिससे कि उनको ये ना लगे कि मैंने कोई फेक रेफरेंसेस यहाँ पर दिए है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद, जानकारी वेरीफाई करने के बाद, अब यहाँ पर आपके सामने जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको बोला कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज, और अब आपको यहाँ पर क्लिक या टू गो बैक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट सबमिटेड फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको अभी दिखाया था, वो आपको यहाँ पर डालना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अब आपको यहाँ पर नीचे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है और अपने पास सेव रखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई वैकेंसी को लेकर के सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्दी एक वीडियो बनाऊं और उसमें आपके जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट के जो आंसर है वो क्लियर कर पाऊं। इसलिए आपके जो भी अलग अलग सवाल है वो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी उन सभी के जवाब के बारे में। तो दोस्तों ये थी आपकी NYKS वॉलंटियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।